तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस फोटो को कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो गाइस, हम लोग इस फोटो की करेंगे बेसिक कलर करेक्शन। तो उसके लिए गाइस, आप लोगों को आ जाना है यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे गाइस आपको मिलेगा एक लाइट का ऑप्शन। उसके बाद गाइस, हम लोग इसके कंट्रास्ट को एडजस्ट करके देख लेंगे। तो कंट्रास्ट को मैं यहाँ पे गाइस थोड़ी सी कर दूंगा प्लस की साइड, और इसको हाइलाइट्स को कर दूंगा माइनस, और यहाँ पे गाइस शैडो को मैं एडजस्ट करके देख लूँगा। तो शैडो को मैं इंक्रीज कर दूंगा गाइस कुछ इतना +82, और यहाँ पे वाइट्स को कर देंगे माइनस, और ब्लैक्स को थोड़ी सी बढ़ा देंगे। और उसके बाद गाइस यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे कर्व वाले ऑप्शन पे। तो कर्व वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करेंगे, और एक पॉइंट इसके ऊपर ऐड करेंगे, और यहाँ पे हल्का सा एस शेप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से कर देंगे डन गाइस, और यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग कलर वाले ऑप्शन पे। तो कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे टैम को हम लोग कर लेंगे गाइस माइनस, और टिंट को गाइस एडजस्ट कर लेंगे। तो टिंट को मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे -15, और वाइब्रेंस को हल्का सा प्लस की चैट करेंगे, और सेचुरेशन को कर देंगे माइनस कुछ इतना। उसके बाद गाइस आप लोग को आ जाना है इस वाले कलर मिक्सर टूल पे, और यहाँ पे इसकी ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके इसकी सेचुरेशन को गाइस माइनस करके इसकी लुमिनस को बढ़ा देनी है। उसके बाद गाइस आप लोग को येलो वाले कलर पे चले जाना, और इसका ह्यू को कर देना -100, और सेचुरेशन को कर देना -100। उसके बाद हम लोग आएंगे ग्रीन वाले ऑप्शन पे, और इसका ह्यू को गाइस कर देंगे -100, और सेचुरेशन को गाइस यहाँ पे कर लेंगे -100। उसके बाद गाइस आप लोग को आ जाना इस कलर में, और इसकी सेचुरेशन को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इसकी सेचुरेशन को गाइस मैं कर दे रहा हूँ -100, और ह्यू को भी कर दे रहा हूँ -100। उसके बाद गाइस आप लोग को ब्लू वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और इसके सेचुरेशन को गाइस कर देना है -100, और इसकी ह्यू को कर देना है -100, और इसकी लुमिनस को ना थोड़ी सी बढ़ा देनी है। उसके बाद गाइस हम लोग आ जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, और इसकी सेचुरेशन को कर देना है -100, और इसके ह्यू को कर देना है -100। उसके बाद गाइस आपको सबसे लास्ट वाले कलर पे आ जाना है, और इसका ह्यू को भी कर देना है -100, और सेचुरेशन को कर देना है -100, और यहाँ पे इसके लुमिनस को गाइस कुछ इतना रख देना है। उसके बाद यहाँ से कर देंगे डन। उसके बाद गाइस आप लोग को आ जाना है कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट कलर को ऐसे पिक कर लेंगे जो कि शैडो है, और शैडो को गाइस एडजस्ट करके देख लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सेचुरेशन को फुल्ली 100 करूँगा, और इसको एडजस्ट करके देख लूँगा। तो यहाँ से गाइस मैं इसकी सेचुरेशन को थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो सेचुरेशन को कुछ इतना करने के बाद गाइस हम लोग आ जाएंगे हाइलाइट्स वाले ऑप्शन पे, और इसको भी गाइस हम लोग एडजस्ट करके देख लेंगे। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस फोटो। तो फोटो के हिसाब से मैं देख लेता हूँ एडजस्ट करके। तो यहाँ पे गाइस काफ़ी ऑसम लग रही है। उसके बाद गाइस हम लोग इसके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ इसके प्लस की साइड, और बैलेंस को गाइस एडजस्ट कर लेंगे। तो बैलेंस को मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ गाइस +9, और यहाँ से कर देंगे सिंपल सेट डन। उसके बाद गाइस हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, और इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आके इसकी बिगनेटिंग को हम लोग कर देंगे माइनस, और इसको फेदर को गाइस कुछ बढ़ा देंगे इतना, और मिड पॉइंट को भी बढ़ा देंगे। उसके बाद गाइस आप लोग को आ जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और इसको डीएच को गाइस थोड़ी सी प्लस की सेट कर देनी है, और यहाँ पे क्लैरिटी को गाइस एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग को आ जाना डिटेल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर नॉइस पे आके इसके नॉइस रिडक्शन को कुछ इतनी बढ़ा देनी है, और यहाँ पर शार्पनिंग के ऑप्शन पर जाके शार्पनिंग की अमाउंट भी गाइस आप लोग को बढ़ा देनी है। और यहाँ से आ जाएंगे बैक। तो बैक आने के बाद गाइस आप लोग को आ जाना इस वाले ऑप्शन पे, मैं बता दे रहा हूँ इस वाले राउंड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे ऐसे प्रेस कर देना है, और यहाँ पे रेडियल जो है इसको ऐसे सिलेक्ट करके क्रिएट कर देना है, और यहाँ इसको गाइस ऐसे एडजस्ट कर लेना है कुछ इतना।
और यहाँ पे हम लोग चल जाएंगे गाइस लाइट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे हाइलाइट्स को ना बढ़ा देंगे और वाइट्स को भी थोड़ी सी वाइस इंक्रीज कर देंगे कुछ इतना और यहाँ से कर देंगे डन। तो बैक आ जाएंगे तो डन गाइस हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है। तो बिफोर आफ्टर मैं आप सबको दिखा दूँ, बिफोर फोटो कुछ ऐसी थी और एडिटिंग के बाद कुछ ऐसी हो गई है। तो सेव करने के लिए गाइस आपको शेयर वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे दिख रहा होगा सेव कॉपी टू डिवाइस, तो इस पर गाइस ऐसे प्रेस कर देना तो आपकी फोटो गाइस गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।